नारी का त्याग अनुपम है, हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ, ना मतलब कोमल भाभी, आप भी क्या भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? अरे शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये, बरोबर ना भिड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। माधवी चुकी जाली, तुम किटी पार्टी में जा सकती हो। ये फोन पौड़ी है क्या लहरा रही है? मैंने आपको क्या कहा था, भिड़े बहन किटी पार्टी में जरूर आएगी, भिड़े भाई ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा हम उनकी नकल करेंगे। अरे वाह, बल्ले बल्ले। ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले रही है? तुम जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बबीता, याने इवड़े। अब माधवी भाभी का नंबर आएगा। लीजिए ना, लीजिए। जल्दी। लीजिए ये लीजिए। कौन है? अय्या, जेठा भाई। दया। अरे इस टप्पू का क्या करूं मैं? अरे उसकी वजह से उस भिड़े की बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब शांत हो जाइए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। अरे वो भिड़े को कौन समझाएगा? पर उनको तो कोई नहीं समझा सकता। कुछ नहीं, आप डिनर कर लीजिए। अरे डोबी, रात के खाने को डिनर कहते हैं और अभी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। पता है, ये रात का ही खाना गरम करके रखा है, फिर डिनर हुआ कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। अभी किसका नंबर लगाना है, दया भाभी का या रोशन भाभी का? रोशन भाभी। ओके जल्दी। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम भाई? अंजलि, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है तुमने? आज आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। खाने में बना है डाइट आलू, पीने में बना है करेले का जूस और नाश्ते में बना है ड्राई स्प्राउट्स। अंजलि, भले ही तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है। मैं करता हूँ प्यार उससे, मैं करता हूँ प्यार उससे, शायद उसको हेट है। कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं, कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं। जानम ये इंडिया गेट नहीं, एक लेखक का पेट है। चलो अब तो एक ही कपल बाकी है, मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम आइए। बाजी, ये क्या
बापू ने फिर से सोडी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्या अभी क्यों उसको टोकते रहते हो आप? अरे हमारे जमाने में कैसे शिस्त प्रिय बच्चे हुआ करते थे, सुशील, विवेकी, संस्कारी। बस हो गई आपके जमाने की बात। अच्छा ये लो, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस है, पूरे 12,000 है। इसको संभाल कर रखना। मैं क्या कहती हूँ, इस बार हम सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं माधवी, ऐसे फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सुने है ना, वो कितनी खटर हो गई हमारी स्कूटर, खरीदते हैं ना प्लीज। नहीं माधवी, जिद मत करो, मैं यहाँ रद्दी का एक एक रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट दया भाभी, आप रद्दी की बात क्यों निकाल रही हो? अरे बात क्यों निकाली, मतलब मैं भीड़े भाई का रोल कर रही हूँ। नहीं दया भाभी, आप भीड़े भाई का रोल नहीं, आप भीड़े भाई का मजाक उड़ा रही हो। अरे भीड़े बहन, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ। अरे भाभी, कोई नहीं बोलेगा, मेरे पति का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है आज। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं, रद्दी का एक रुपया भी हो लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई है, आपके जैसा नहीं। ए भिड़े बहन, आप जैसा मतलब? अरे मुझे सब पता है आपके घर पैसा कैसे आता है। अरे कैसे पैसे आता है, मतलब टप्पू के पापा मेहनत करके कमाते हैं? हाँ हाँ बताएं जेठा भाई, कैसे पैसे कमाते हैं? अरे वो तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। भाभी भाभी भाभी, बस बस, कोई मत रोकना भिड़े बहन को। आज भिड़े बहन ने मेरे घर पर आकर मेरा तो अपमान किया, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ टप्पू के पापा का भी अपमान किया है और साथ में मेरी कटी पार्टी भी बिगाड़ी है। मैं भिड़े बहन को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सोनू, 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 तेरी और मेरी मम्मी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। समझते का सोताला। ओए वो देखो माधवी आंटी, पुरखा सरका का इतनी पड़पड़ सस्ती मुस्ती। माधवी आंटी तो गुस्से में लगती है। बाबा सच कहते थे, किटी पार्टी तो करनी ही नहीं चाहिए। टप्पू, तुम दोनों की मम्मी का झगड़ा हो गया है तो तुम दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करोगे? टप्पू तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सोनू तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए हम हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे, वी आर बेस्ट फ्रेंड। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, वेकेशन बैचेस के एडमिशन शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए अगले हफ्ते। हाँ जी, नाम क्या बताया आपने? अच्छा अच्छा ओके, हाँ ओके 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 बाय। अरे माधवी तुम आ गए इतनी जल्दी? अरे चुप क्यों, तुम्हारी किटी पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? आप सही कह रहे थे। किस बारे में? किटी पार्टी के बारे में। अरे माधवी हुआ क्या? मेरा और दया भाभी का झगड़ा हो गया, उन्होंने सबके सामने आपका अपमान किया है। क्या, दया भाभी ने मेरा अपमान किया? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तू क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं माधवी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हम लोग ऐसे गेम खेल रहे थे और फिर हम सब ने तय किया कि एक दूसरे के पति की एक्टिंग करेंगे। मैं यहाँ रद्दी का एक एक रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। एक मिनट,
गुस्से से वहां से चली आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि किटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन दया भाभी ने आज सारी हदें पार कर दी। ये जेठालाल का पूरा परिवार ही ऐसा है, अशिक्षित, किसी बात को समझता ही नहीं है, हर बात पे अड़ा रहता है। ये जेठालाल टप्पू से तो मेरा आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। एक दया भाभी बाकी थी, उनका भी तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया। आप रोने से क्या फायदा, हो गया वो, भूल जाओ अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी कैसे भूल जाओ, भीड़े बहन के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसी भीड़े बहन ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है, अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापू जी। बेटा बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है। दया वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? भीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। कीड़े चश्मीस, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भीड़े बहन ने अपमान किया है, भीड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? Who are you? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे ही घर में आके हमारा ही अपमान। भीड़े, अरे सुनिए, भीड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भीड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों, टप्पू की शरारत को लेकर वो भीड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भीड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भीड़े से झगड़ा करूंगा। भीड़े, ए भीड़े, ए भीड़े बाहर निकले, ए भीड़े। अरे ये डर गया क्या, डरपोक की बेरा हो गया, बाहर निकल। टप्पू क्या हुआ? टप्पू तेरे पापा सोनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल, ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ समझा, और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना। बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकलता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? मैं भाभी की। माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सच्ची तो का क्या मतलब है, है? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई समझा, क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे, तीन चार दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे, अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाओ देना, किनको समझा रहे हो आप? खरच? हाँ खरच, खरच भाई खरच, वही बोल रहा हूँ।
अगर भगवान ने तुझे अक्ल दी है ना तो थोड़ी अक्ल खर्च तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते है। और रद्दी का एक एक रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते, रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भीड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए देव अभी आप माधवी माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं भाई बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू है, लड़ाकू एक नंबर का तू। एक मिनट जेठा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों की तरह झगड़ रहे हो, अच्छा लगता है आपको? अंजलि भाभी आज मेहरबानी करके कुछ मत बोलना, अब तक हम लोगों ने बहुत सहन किया है, अभी पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब बहुत सहन किया रे, सह तो हम लोग रहे। और क्या? तुम्हारे साथ ना व्यवहार रखने जैसा ही नहीं है, बेशिस्त। ये सोनू खबरदार, जो आइंदा टप्पू के साथ खेली तो ऊपर आ। हाँ वर्ती है सोनू। अरे तो टप्पू तू भी बिंदास नीचे खेल, लेकिन सोनू के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा, समझा? अरे आपके झगड़े में बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? सच्ची बात है, आप लोगों का झगड़ा है तो आप तक ही रखो ना। हाँ एक मिनट भेड़े भाई मेरी बात सुनिए, बच्चों को तो खेलने दीजिए, क्या कर रहे हो आप? अंजलि भाभी प्लीज, सोनू तो अभी तक वहीं खड़ी है, ऊपर आओ। आ वर्ती है तू? पर बाबा मुझे खेलना है। तो टपू तो ऊपर आ, चलो ऊपर आ। पर पापा। पापा दीपा कुछ नहीं, मैंने बोला ऊपर आ तो ऊपर आने का। सोनू वर्ती है, चल चल। अरे टप्पू बेटा अभी भी वहाँ पर ही खड़ा है, चल तू चल चल घर पर आ। ये नॉनसेंस, तू नॉनसेंस। चल चल अबे, ये ये रुक है, रुक, भागता किधर है डरपोक? हिम्मत है तो इधर है, सामने आ। वो घर पर अंदर चले गया। एक काम करो, फोन करो, वो तो फोन उठाएंगे ही ना, फिर जो भी बोलना हो बोल डालो। चुप रहना नॉनसेंस, क्या कुछ भी बोलते रहती है, चल चल। ए टपू, टपू किधर है? वो घर गया। हाँ बात ठीक है, पर तुम लोग भी जाओ भी करो अपने। लीजिए गोकुल धाम सोसाइटी की हमारी दो आदरणीय भाभियों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा मजाक मजाक में हुआ। वैसे मजाक चीज ही ऐसी है, आपसे भी कहता हूँ ऐसा मजाक मत करिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, और अगर कोई मजाक कर रहा है तो उसे सहन करने की क्षमता भी रखिए। लेकिन मजाक में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ मामला भाभियों तक रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो झगड़ा पहुंच गया उन दोनों के पतियों के बीच में भी, तनातनी हो गई। अब पता नहीं इस झगड़े का क्या होगा। वैसे देश में भी इन दिनों बड़े झगड़े चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, जनता का नेताओं से जूते फेंके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारी चिंता अभी ये है, कहीं इन दोनों महिलाओं के बीच का ये झगड़ा नफरत की दीवार खड़ी ना कर दे। हमें क्या, आप छोड़िए ना नफरतों से, आप तो मोहब्बतों से सरोकार रखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मोहब्बत कीजिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।